पौधे जिनके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं, तो क्यों ना हम इन्हें अपना दोस्त बना लें। यही दोस्ती शास्त्री पार्क के बच्चों ने भी की है। उन्होंने एक एक पौधे से दोस्ती की और उसे एक प्यारा सा नाम भी दिया है। बच्चों ने पौधों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की और उसी तरह उसकी देखभाल भी करते हैं। हर महीने बच्चे पौधे की स्थिति को दिखाने के लिए उसके साथ सेल्फी भी शेयर करते हैं। इस दोस्ती से बच्चे बहुत खुश हैं और इस प्रकार की दोस्ती को बढ़ावा मिल रहा है, जो कि हमारे वातावरण के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे लिए भी। और इसी दोस्ती से जुड़ी कुछ नई वीडियोस हम आगे देखेंगे। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाशा है, मैं चेन्नई की स्टूडेंट हूँ। मैंने माय लाइफ माय प्लांट में कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जिसमें मैंने कैक्टस का पेड़ लगाया है। कैक्टस का पेड़ ज़्यादातर रेगिस्तान में पाया जाता है और मैंने इसका प्यार से नाम किट्टू रखा है। और मैं इसको सुबह शाम कम मात्रा में पानी देती हूँ और मैं इसकी धूप और छाई की पूरी ध्यान रखती हूँ। और ये मेरा कैक्टस का पेड़ है, मैंने इसका नाम किट्टू रखा है। और मैं इसकी ये और मैं बहुत अच्छी फ्रेंड है, इसलिए मैं इसको पाके बहुत खुश हूँ। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम मुस्कान है और मैं चेतनालय एनजीओ की स्टूडेंट हूँ। मैंने चेतनालय से पार्क कॉल किया है। हमारे चेतनालय में कुछ दिन पहले प्लांटेशन हुआ था, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था और मैंने इस पौधे का प्लांटेशन किया था। इसका नाम वाइट ग्रास लीली है। मैंने इसको प्यार से माही नाम दिया है। मैं इस पौधे की बहुत अच्छे से केयर करती हूँ, जिसका अभी तक ये रिजल्ट आया है कि इसमें वाइट कलर के फूल खिले हैं। इस पौधे की मैं आपको कुछ खासियत बताना चाहती हूँ। जैसे इसे तेज धूप से बचाना चाहिए, नॉर्मल धूप में रखना चाहिए। ज़्यादा तेज धूप में रखते हैं हम इसको तो इसकी ग्रास जल जाती है और इसमें कुछ अलग तरीके की ग्रास हो जाती है। और इसे सुबह शाम पानी देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बारिश का पानी मिल जाए तो ज़्यादा इसके लिए बेनिफिट है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम फातिमा है, मैं चेतनालय में सेलेक्ट में आती हूँ। मैंने वाई प्लांट माई लाइफ में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैंने एक पौधा भी रखा था। इसका ये एलोवेरा का पौधा है, मैं उसका नाम मैंने बिस्मिल्ला रखा है। इससे कई ज़्यादा फायदे हो सकते हैं, बालों के लिए भी अच्छा है और शुगर में सब्ज़ी बनाने का काम भी आ सकता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और इसकी मैं देख रेख सुबह शाम करती हूँ, हफ्ते में खाद डालती हूँ और जिसमें मैं करती हूँ। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ रुजमा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ चेतनालय। हमारे चेतनालय में माय प्लांट माय लाइफ का प्रोग्राम हुआ था, जिसमें मैंने भी प्लांटेशन करा था। और मेरे प्लांट का नाम पत्थरचट है, मैंने इसका प्यार से नाम निक रखा है। और इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, ये भारत के सभी राज्यों में पाया जाता है। माडागास्कर इसका उत्पत्ति स्थल बताया गया है। इसके एक पत्ते से हम काफ़ी ज़्यादा पौधे उगा सकते हैं और ये पथरी तथा अन्य रोगों में काफ़ी लाभदायक है। मैं इसकी देखभाल सुबह शाम करती हूँ और इसको पानी की ज़रूरत भी सुबह शाम होती है। ये धूप छाँव में दोनों में फल सकता है। और इसके आसपास जो आप बेल देख रहे हैं, इनका नाम नौबजी है। और मैंने ये अपने पौधे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाया है और इसमें पिंक कलर के फूल आते हैं। एंड ये मैं आशा करती हूँ कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। एंड थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।